नमस्कार, अपन आ गए हैं यहाँ पार्क में आ गए हैं जो कि इंदिरा गांधी पार्क है। यहाँ पे जू भी है अंदर में, वहाँ लेके जाएंगे। यहाँ पे अभी पब्लिक स्टार्ट हो रहे हैं आने के लिए पूरा राउरकेला में। यहाँ पे अंदर जाने के बाद दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे कटिंग कर दी है यहाँ पेड़ पौधे को, और अपन कुछ इस तरह से दो लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से शानदार दृश्य दिखेगा। ये गेट देख सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है। इधर अंदर जाएंगे, इधर लास्ट में घूमने जाएंगे, उसके बाद इधर का दिखा लेते हैं पहले ये शानदार। इंदिरा गांधी पार्क आए हैं उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र में। यहाँ का पार्क काफ़ी सुंदर है भाई, ये देख सकते हैं इधर का व्यूज कुछ इस तरह से है। यहाँ पे चिड़िया उड़िया, यहाँ पेड़ देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, और पानी यहाँ पे पटा रहे हैं एकदम मस्त। और जू लेके जा रहे हैं आपको, इधर जू है शायद, कलरफुल पार्क है ये सब, जूलॉजी जू है शायद आगे में। उधर क्या क्या मिलता है देखने को, सारा चीज़ को दिखाएंगे, आप लगे रहे हैं। राउरकेला का शानदार पार्क, जूलॉजी पार्क, इंदिरा गांधी जू नाम से फेमस है यहाँ का राउरकेला में। यहाँ पे बच्चे लोगों का देख सकते हैं पार्क बना हुआ है। बिरसा मुंडा स्टेडियम के आगे, बिरसा मुंडा स्टेडियम के जस्ट थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा ये पार्क, जो आप मैप में भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे सीधा लेके आ जाएगा इंदिरा गांधी। वो कुछ चिल्ला रहे हैं भाई, जानवर लेके जा रहे हैं। यहाँ ढोल म्यूजियम है भाई इस साइड जाओगे तो, क्योंकि अपन इधर पार्क साइड जा रहे हैं जू साइड, तो इधर का दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हो आप मॉडल लोग हैं, पूरा रील्स वगैरह बना रहे हैं। रील वगैरह यहाँ बनाने आते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ला रहे हैं भाई, इसको दिखाते हैं आपको। मोर है शायद यहाँ पे, ये पैरट वगैरह तोता वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मोर पूरा बंद करके रखे हुए हैं मोर को, इसी के अंदर में मोर ही है। यहाँ पे काफी पुराना बुजुर्ग वाला है शायद दिख रहा होगा तो ये आपको, ये और ये वाला देख सकते हैं विलुप्त होते जाते जा रहा है ये तोता। ये तो तब पूरा विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, लेके आए हैं, काफी चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। तीन ठीक है यहाँ पे, ऊपर दे ये इसको बंद करके रख दिया तो काफी चिल्ला रहे हैं, खुला सोना चाहिए इसको। पार्क में चंद पैसों के लिए यहाँ पे बांध बंद करके रखे हुए हैं, परेशान हो जा रहे हैं जानवर सब भी। ये पता नहीं क्या है, कौन सा जानवर है, हिरण, हिरण तो इतना छोटा रहता नहीं है, नील गाय बोल सकते हैं शायद, पहचान नहीं पाता हूँ इतना खास। ये दिख रहा होगा, आप पहचान रहे हो तो कमेंट करें ज़रूर। लिखाया भी नहीं है यहाँ पे कुछ जानवर का नाम। और यहाँ का दृश्य कुछ इस तरह से है, शानदार। ये देख सकते हैं भाई, एक ही अकेला है, एक लौता मात्र मगरमच्छ। वाह, यहाँ पे मगरमच्छ देखने को मिलेगा। कहाँ है भाई मगरमच्छ? मगरमच्छ नहीं दिख रहा है भाई यहाँ पे। और ये देख सकते हैं, ये ट्रेन, टॉय ट्रेन का जो पटरी है वो है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। इसमें टॉय ट्रेन जाता है, इतना छोटा ट्रेन जाता है कि पूछो मत, मज़ा आ जाता है, लेकिन चलता नहीं है लग रहा अभी, पता नहीं कहाँ है, देखेंगे तो पता चलेगा। मगरमच्छ देख के आते हैं पहले तो, इधर का होगा तो दिख जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो और भी अच्छी बात है।
मेरे लिए, आपके लिए फोटो में देख सकते हैं। नहीं दिखेगा तो यहाँ फोटो में लगा हुआ है भाई, देख सकते हैं लंका नेपाल। ये क्या क्या लिखाया है, ये जिंदा है कि मुर्दा है भाई? देखो ये देखो, पूरा कार्टून टाइप लग रहा है, इतना खतरनाक लग रहा है ये। ये मगरमच्छ है भाई, ऐसा सोया है कि पूछो मत, मूर्ति टाइप से सो गया है ये मगरमच्छ। आलसी है, कुछ खाने को देते हैं कि नहीं पता नहीं, इधर और देखते हैं खा। उधर सोया हुआ है वो दूर में ये, और यहाँ पे दो है, वहाँ दो है, चार ही है लगभग। ये मगरमच्छ बहुत आलसी है भाई, दूसरे जगह लेके चलते हैं आपको, कुछ और देखते हैं जू में खूबसूरत चीज। इधर कुछ और मिल जाएगा, शेर वेर तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा सांप है यहाँ पे। इधर है नहीं, एक ही साइड है। लिखाया है ये, 22 साल का बूढ़ी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो भी लिखाया है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है हमें। वहाँ गर्म लग रहा है, उसको हीटर है, लाइट जल रहा है। काफी बड़ा सांप है यहाँ पे, अभी आए यहाँ पे एंजॉय करें पार्क में, और यहाँ पे जो अजगर है उसको देख के अपने आंखों को सुकून का आनंद दें, और लगे रहें बस, शीशे में कैद करके रखे हुए हैं। आप लोग टिकटॉक रील वगैरह बनाते हैं? हाय हाय, इतना सुकून मेरे दिल में चुन लिया। नहीं तो तैयार होके आए हो ना? अच्छा सीख रहे हो, सीख रहे हो क्या बोले? इंस्टा इंस्टा आईडी मिल सकती? रोज इज अ रेड sky is blue, oh my jaan I love you। ठीक है परिवार, चल ठीक है भाई इधर जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे शर्मा आ गए, उल्लंघ आ रहा भाई, इधर इधर आगे चल, आगे चलते हैं और उधर दिखाते हैं, उधर कुछ सुंदर सुंदर दृश्य दिखाते हैं आपको, पार्क का आनंद उठाते हुए आपको भी आनंद दिखाते हैं, आनंद लेते हुए। ये पेड़ को आप देख सकते हैं किस टाइप से दिख रहा है, एकदम अजीब दृश्य। ट्रेन का पटरी में अपन चल रहे हैं, पीछे से टॉय ट्रेन आएगा तो देखते हैं भाई, टॉय ट्रेन तो शायद ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पटरी वगैरह दिख रहा होगा पीछे में, और ये सामने में भी अपन चल रहे हैं, जो टॉय ट्रेन का जो पटरी है वही वाला है। इधर पता नहीं क्या है, गाइस यहाँ पे क्या चीज है भाई, शुतुरमुर्ग है। यहाँ पे छोटा छोटा वाला शुतुरमुर्ग है भाई, वो देखो पिछले बार जब देखे थे अंडा वाला बड़ा है, बड़ा था वहाँ पे, देख सकते हैं शुतुरमुर्ग अंडा है ना उसका। हाँ हाँ अंडा दिख रहा होगा भाई, ये देख सकते हैं शुतुरमुर्ग, ये सामने में भी देख सकते हैं, ये छोटा प्रजाति का है भाई, या फिर बच्चा होगा ये, पता नहीं अपन को भी नहीं मालूम। ये दिख रहा होगा शुतुरमुर्ग, ये सामने में भी आ रही है गला उठाए। यहाँ का शुतुरमुर्ग जू का, इधर और भी है, समझ रहे हो भाई, अपन इतना मेहनत कर रहे हैं, टिकट कटा के अंदर आए हैं, यहाँ बोटिंग भी दिखाने वाले हैं, बोटिंग एकदम शानदार वाली, तो इसकी बिल्कुल ना करें, एकदम इंटरेस्टिंग बनने वाला है ये वीडियो, समझ रहे हो भाई, तो लगे रहें कंटिन्यू करते रहें। यहाँ का आपका
जो वोटिंग स्थान है उसको दिखाते हैं आपको। अपन तो जाएंगे नहीं भाई, बहुत थक गए हैं, तो पैडल वैडल वाला भी है यहाँ पे, तो पैडल मारते मारते अपन थक जाएंगे, इस वजह से अपन दिखाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं अंदर, बाहर से ही एक बार नज़ारा दिखा देंगे बस। इसी के साथ लगे रहें, कंटिन्यू करते रहें। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे फव्वारा चल रहा है बीचों बीच में, दो जगह से। अब पानी भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है, गंदे पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अभी अपन बोटिंग का जो टिकट काउंटर है वहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अपन जाएंगे नहीं बट दिखा दे रहे हैं आप सबको, ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे दो बोट मिल जाएगा पैडल मारने वाले। अपन तो ऐसे ही थके हुए हैं तो अंदर जाएंगे, पता नहीं पैडल मार के आ पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं टिकट काउंटर, इधर मिल जाएगा आपको। ये दो बोटिंग यहाँ लगा हुआ है बोट, तो और एक उस साइड में है वहाँ चल रहा है, और यहाँ फव्वारा, और वहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाया हुआ है, जो माता श्री निकाल रही है बोट को। और यहाँ पे लिखा हुआ है नौका विहार करके, ये जो तालाब है जो भी बोल सकते हो आप, उसका पूरा डिटेल लिखाया हुआ है यहाँ पे। वो अभी चढ़ रहे हैं कुछ लोग, देख सकते हैं पूरा सेफ्टी के साथ। तो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं कैसे। यहाँ पार्क के अंदर में सुधा नगर स्टेशन के नाम से यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं ये टॉय ट्रेन, बच्चे लोगों का ट्रेन टाइप से देख सकते हैं, छोटा वाले ट्रेन है ये, देख सकते हैं अभी शायद बंद है या फिर पता नहीं क्या है। अपन को तो फुल आलसी लग रहा है, लेकिन आप लोग के लिए हम बना दे रहे हैं वीडियोस वगैरह। ये पार्क में भी काफ़ी भीड़ हो गया, अभी तभी दिखाया था तो उतना भीड़ नहीं था, एक राउंड मारने के बाद इतना भीड़ हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं अनेक प्रकार का फूल लगा हुआ है, गेंदा फूल भी 3-4 कलर का लगा हुआ है यहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर शानदार है, ऊपर चढ़ के आप नज़ारा देख सकते हैं, बाकी अपन चढ़ेंगे नहीं। यहाँ गार्डन का शानदार दृश्य देख सकते हैं भाई, साफ सफाई तो काफ़ी तगड़ा करके रखे हुए हैं यहाँ पे, एकदम ज़बरदस्त। आवाज़ इतना क्लियर भी नहीं आ रहा होगा। नौकरी वाला तक खिला तो लोन ने बैंक ये नज़ारा देख सकते हो भाई आप सब, एकदम ऐसे लग रहा है कि पहाड़ी एरिया में गार्डन को यहाँ पे बनाया गया है टाइप से, तो ऐसे लग रहा है भाई गार्डन जबरदस्त एकदम शानदार। अपन 200 किलोमीटर से ट्रैवल करके अपन छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आए हुए हैं, जो कि राउरकेला पड़ता है हमारे घर से, 200 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ आने के बाद आपको उड़ीसा का शानदार गार्डन और यहाँ का सिटी जो है उसको दिखाने के लिए आपको स्पेशल आए हुए हैं। उड़ीसा का ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ग्रीन्स को दिखाने के लिए एकदम ज़बरदस्त, तो स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, अपने दोस्तों के साथ सर करें, जो भी हो सके वो करें। और पीछे का नज़ारा भी दिखाते हैं, एकदम केरला वाला नज़ारा है यहाँ पर, देख सकते हैं ये नारियल पेड़ टाइप से लग रहा है एकदम, पता नहीं नारियल ही पेड़ होगा यहाँ पे, एकदम पेड़ दोनों रास्ते के बीचों बीच में प्लस जबरदस्त। और यहाँ पे कुछ है लगता है भाई, इधर लेके चलते हैं आपको, मछली वछली होगा कि पता नहीं क्या है, मछली पाना तो नहीं हो रहा है भाई। मछली है कलरफुल मछली है भाई, देख सकते हो यहाँ पे मछली है कलरफुल वाला, ये शानदार वाली मछली पाले हुए हैं इसमें,
ये पानी उधर से आ रहा है टंकी में, सारा इसमें कम से कम 8 टैंक है और इसमें मछली पाले हैं कलरफुल वाले शानदार वाली। इधर का दृश्य भी देख सकते हैं आप सब, जबरदस्त है। इधर देख सकते हैं कितना शानदार पेड़ उगा हुआ है। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बस बने रहे। चलते चलते अपन थक गए भाई दिखाते दिखाते, इसलिए आप स्किप ना करें, कंटिन्यू देखते रहें, लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ। एकदम जबरदस्त वाली वो जो बैल आइकन है, खट्टी गोली फेंके अच्छा कुछ भी कर दें, बस दब जाना चाहिए। जैसे भी चढ़ा दो या फिर ट्रैक्टर चढ़ा दो, जो भी चढ़ाना है चढ़ा दो, बस दब जाना चाहिए।